नेक्स्ट क्वेश्चन है का द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, ठीक है, ऑफ अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री. ठीक है, एक टावर बना लेते हैं. ये हमने क्या एक टावर बनाई, कह रहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री. मान लो ये ग्राउंड है और ये ग्राउंड पे कोई एक पॉइंट है ए, ठीक है. डिप्रेशन देखा जा रहा है यानी कि यहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा है, यहां से उसने, ठीक है, ए पॉइंट का डिप्रेशन देखा तो कितना बन रहा है 30 डिग्री. डिप्रेशन यहाँ बनेगा, ये 30 है तो ये भी कितना हो गया 30 डिग्री, ठीक है. ऑन मूविंग अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर फ्रॉम पॉइंट ए, ए पॉइंट से 20 मीटर के डिस्टेंस, 20 मीटर डिस्टेंस चला जा रहा है कहाँ, टूवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर. ये टावर का फुट है और टावर के फुट की तरफ हम ए पॉइंट से 20 मीटर तक चले, ये आ गया 20 मीटर. ठीक है, टूवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर अ पॉइंट बी, टू अ पॉइंट बी, तो ये आ गया कौन सा, बी पॉइंट. द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट बी. इस बार देखो जब डिप्रेशन देखा जा रहा था यहां से देखा जा रहा था, ऑब्जर्वर यहां था, अब एलिवेशन देखा जा रहा है तो ऑब्जर्वर यहां है, यहां से टावर के टॉप को देख रहा है और एलिवेशन कितना बन रहा है 60 डिग्री. एलिवेशन कितना आ गया ये 60 डिग्री, ठीक है. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमने मान ली टावर की हाइट क्या है स्मॉल h, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए. एक तो बताना है हमें क्या टावर की हाइट और ए पॉइंट से टावर का कितना डिस्टेंस है, ठीक है. इसको क्या मान लो x, ये आ गया. अब यूज करते हैं, फिगर कंप्लीट कर लो पहले पूरी, ए बी, सॉरी ए भी तो हम मान ही नहीं सकते यार, ऑलरेडी मान चुके हैं, सी और ये डी, ठीक है, और ये 90 डिग्री. फिगर कंप्लीट हो गई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन दे दूँगा.